अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को 8 रनों से धूल चटा दी। इस मैच में अफगानिस्तान के गेंदबाजों ने कमाल का प्रदर्शन किया, जिससे ये मैच उनके हिस्से में आया। बांग्लादेश को जकवर्थ लुईस नियम की वजह से जीतने के लिए 114 रनों का टारगेट दिया, लेकिन लीटन दास की शानदार पारी के बाद भी बांग्लादेश को हार मिली है। बता दें कि मैच के दौरान लीटन दास ने उम्दा बल्लेबाजी की है, जिससे उन्होंने विकेट नहीं गंवाया और एक छोर से डटे रहे। वहीं बाकी बल्लेबाजों की बात करें तो किसी ने भी ऐसा प्रदर्शन नहीं किया जिससे मैच को जीता जा सके। सौम्य सरकार, लीटन दास और तौहिद रिदो की दोहरे अंक तक पहुंच पाए। हालांकि लीटन दास ने अपना अर्धशतक 41 गेंदों में ही पूरा किया, लेकिन फिर भी उन्होंने बांग्लादेश को जीत नहीं दिला पाई। जबकि अफगानिस्तान के लिए राशिद खान बेहतर प्रदर्शन हीरो साबित हुए। उन्होंने 4 ओवर में 23 रन देकर 4 विकेट अपने नाम किया, जबकि नवीन उल हक ने 2 विकेट अपने नाम किया और गुलबदीन नईब और फजल हक फारूकी के खाते में 1-1 विकेट गया। अफगानिस्तान के प्रदर्शन की बात करें तो रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम ने बहुत ही धीमी शुरुआत की। गुरबाज ने 55 गेंदों में 43 रन बनाए, वहीं जादरान ने 29 गेंदों में 18 रन बनाए। इन दोनों खिलाड़ियों के अलावा किसी भी बल्लेबाज ने कोई खास जलता नहीं दिखाया। अजमतुल्ला उमरजई ने 10 रन बनाए। कप्तान राशिद खान ने जरूर खड़े बड़े स्ट्रोक खेले और उनकी वजह से ही अफगानिस्तान टीम 100 रनों के पार पहुंचने में सफल रही। उन्होंने 10 गेंदों में 19 रन बनाए, जिसमें 3 छक्के शामिल थे। अफगानिस्तान ने 20 ओवर्स में 115 रन बनाए। वाइन बांग्लादेश के लिए रिशाद हुसैन ने 3 विकेट अपने नाम किए।